वेलकम टू कुमार इंजीनियरिंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिनॉट का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे होती है, इतनी लंबी लाइन में पाइप रहते हैं तो वो कैसे एक चीज में चलते हैं, तो उनको ये मशीन के हेल्प से पहले एक चीज में जोड़ा जाता है। आप देखने सॉकेट उस तरफ एक सॉकेट लगा हुआ है, ऐसे इसको फंसाया जाता है और फंसाने के बाद लगाया हुआ है। एक सॉकेट आप इस तरफ जो देख रहे हैं ये जुड़ा हुआ है और उस तरफ जो चल रहा है, यहाँ पर केवल पूरी कंप्लीट वेल्डिंग नहीं करी जाएगी, यहाँ पर केवल हल्का सा टाका हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मार दिए जाएंगे जिससे कि वो रुक जाए और फिर फाइनल जो कंप्लीट वेल्डिंग है मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट वेल्डिंग कैसे। ये कंप्लीट रखे हैं, इनमें जो है कंप्लीट वेल्डिंग हो चुकी है, इनमें फिर पूरा इसमें कुछ ऐसा नहीं रह गया, इसमें केवल चारों तरफ पूरा कंप्लीट वेल्डिंग ही करना है, पूरा अच्छे से जुड़ाई इनकी करना जरूरी है। और इसमें चाबी को लगाने के लिए जो पॉइंट है डिनॉट को होल्ड करने के लिए, ये रॉड के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं, ये हो गए जो रॉड को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए हो गए। और जब बिल्डिंग रॉड एक छोटा टुकड़ा सॉकेट में भी ऊपर लगाया जाता है, ये जो छोटा टुकड़ा ऊपर आप देख रहे हो सॉकेट में लगा है, ये होता है जब आपको पूरी लाइन निकालनी हो तो कपलर को कपलर में फंस जाता है, कपलर इसको पकड़ लेता है और जो है रॉड खुल जाती है पूरी लाइन को निकालते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।